Lecture number 13 of control system is about time domain analysis of first order system. Let's start with the introduction. In time domain analysis, the response of dynamic system to an input is expressed as a function of time. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा सिस्टम को हमने एनालाइज किया फ्रीक्वेंसी डोमेन में. अब हम सिस्टम को एनालाइज करने जा रहे हैं टाइम डोमेन में. तो टाइम डोमेन में एनालिसिस के लिए हमारे पास जो इनपुट सिग्नल होगा वो हमारे पास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम उसको लेंगे. रिस्पॉन्स जो आउटपुट होगा वो भी हम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही लेंगे. जब हमारे पास इनपुट या आउटपुट जिसको हम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम कहेंगे ये हमारे पास फंक्शन ऑफ टाइम हो तो हम कहेंगे नाउ वी आर डीलिंग विद द टाइम डोमेन. तो इट इज़ पॉसिबल टू कंप्यूट द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इफ द नेचर ऑफ इनपुट एंड द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम आर नोन. तो दो चीज़ें, इनपुट अगर हमें पता हो, मैथमेटिकल मॉडल पता हो तो हमारे लिए मुमकिन है कि हम सिस्टम के रिस्पॉन्स को फाइंड आउट करें. इनपुट का पता ना हो, मैथमेटिकल मॉडल हमें पता ना हो तो रिस्पॉन्स फाइंड आउट नहीं कर सकते. लेकिन अगर हमारे पास ये दो चीज़ें नॉन हो, हमें इन दो चीज़ों का पता हो, एक इनपुट का एक मैथमेटिकल मॉडल का, तो हम अपने सिस्टम का रिस्पॉन्स बता सकते हैं. यूजुअली द इनपुट सिग्नल टू कंट्रोल सिस्टम आर नॉट नोन फुली अहेड ऑफ टाइम. लेकिन टाइम से पहले हमें अपने इनपुट का नहीं पता होता, टाइम से पहले हमें नहीं पता होता कि सिस्टम को क्या इनपुट मिलने जा रही है. जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इन अ रडार ट्रैकिंग सिस्टम द पोजीशन एंड द स्पीड ऑफ द टारगेट टू बी ट्रैक में वेरी इन अ रैंडम फैशन. जैसा कि कोई रडार ट्रैकिंग सिस्टम है, कोई टारगेट है, वो अपनी स्पीड और पोजीशन को चेंज कर रहा है. हमें नहीं पता कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में उसकी पोजीशन या स्पीड क्या होगी, तो हम इस केस में सिस्टम के रिस्पॉन्स को मेजर आउट नहीं कर सकते. क्यों कि ये हमारे पास बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम अपने इनपुट सिग्नल को मैथमेटिकली इक्वेशन उसकी कोई बना सकें, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले आने वाले मोमेंट में स्पीड या उसकी पोजीशन टारगेट की क्या होने जा रही है. तो इस केस में हमें स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स चाहिए होते हैं. स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स हम ये होता है कि वो हमें नॉन होते हैं और वो हम अपने सिस्टम को देते हैं और हमारा सिस्टम उस पर हमें आउटपुट दे देता है. लेकिन ये स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स जो हैं ये हमारे पास जो एक्चुअल इनपुट सिग्नल होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स इन टेस्ट सिग्नल में पाई जाती हैं. जैसे कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली. एक हमारे पास सडन शॉक है, सडन चेंज है, कांस्टेंट वेलोसिटी है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. इसके लिए हमारे पास अब डिफरेंट सिग्नल्स हैं जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं. उनमें हम देखते हैं कि जैसे द डायनामिक बिहेवियर सिस्टम इज़ देयरफॉर जज एंड कंपेयर अंडर एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल. तो ये बिहेवियर हम इन टेस्ट सिग्नल से फाइंड आउट करते हैं. वो टेस्ट सिग्नल कौन से हैं? इम्पल्स से. इम्पल्स सिग्नल हमारे पास सडन शॉक के लिए है, स्टेप सिग्नल है सडन चेंज के लिए है, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए रैंप सिग्नल यूज़ करेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए पैराबोलिक सिग्नल यूज़ करेंगे. Another standard signal of great importance is a sinusoidal signal. अब इन standard test signals को one by one देखते हैं. Impulse signal को सबसे पहले देखते हैं, define करते हैं. The impulse signal emits the sudden shock characteristic of actual input signal. इसको हम लिखते हैं del of t से. हम कहते हैं कि if t is equal to 0 then the amplitude is if t is not equal to 0 then the amplitude is 0. रिप्रेजेंट इसको हम करते हैं एक लाइन से, ये एक इम्पल्स सिग्नल है. और फिर हम कहते हैं if the amplitude is equal to 1 the impulse signal is called unit impulse signal. ठीक है. अब अगर एम्पलीट्यूड हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाए तो यही सिग्नल इम्पल्स सिग्नल हमारे पास यूनिट इम्पल्स सिग्नल बन जाता है. स्टेप सिग्नल को डिफाइन करते हैं. द स्टेप सिग्नल इमिटेट द सडन चेंज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्चुअल इनपुट सिग्नल. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इसमें पाई जाती है वो है हमारे पास सडन चेंज की. यू ऑफ टी से इसको लिखते हैं. हम कहते हैं कि इफ़ टी इज़ इक्वल टू आर ग्रेटर दैन 0 दैन द एम्पलीट्यूड इज़ ए, इफ़ टी इज़ लेस दैन 0 दैन द एम्पलीट्यूड इज़ इक्वल टू 0. इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और हम कहते हैं कि अगर ए हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाए तो यही स्टेप सिग्नल हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल बन जाएगा. नेक्स्ट हम रैंप सिग्नल देखते हैं. रैंप सिग्नल को हम कहते हैं, डिफाइन करते हैं कि The ramp signal imitates the constant velocity characteristic of actual input signal. तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसमें पाई जाती है? कांस्टेंट वेलोसिटी की। तो कांस्टेंट वेलोसिटी की यहाँ पे हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। हम इसको लिखते हैं आर ऑफ टी से और हम कहते हैं इफ़ टी इज़ इक्वल टू आर ग्रेटर देन ज़ीरो देन द एम्पलीट्यूड इज़ ए इंटू टी। ठीक है, इफ़ टी इज़ लेस देन ज़ीरो देन द सिग्नल इज़ ज़ीरो। और हम कहते हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू वन द रैंप सिग्नल इज़ कॉल्ड द यूनिट रैंप सिग्नल। अब यहाँ पे देखें रैंप सिग्नल जो है इसका स्लोप हमारे पास ए आ रहा है। अब हम अगर देखें ए को हम इक्वल टू वन ले लें तो यही जो है हमारे पास सिग्नल यूनिट रैंप सिग्नल बन जाएगा। पैराबोलिक सिग्नल को हम कहते हैं कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास पाई जाती है एक्चुअल सिग्नल की वो हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन की है। इसको लिखते हैं हम पी एफ टी से। हम कहते हैं कि इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो देन द सिग्नल इज़ ए टी स्क्वायर बाय टू एंड इफ़ टी इज़ लेस देन ज़ीरो देन द सिग्नल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और हम कहते हैं कि जब हमारे पास इसका स्लोप ए हो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और जब ए इक्वल टू वन हो जाए तो यही सिग्नल हमारे पास यूनिट पैराबोलिक सिग्नल बन जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स थे। अब इनका रिलेशनशिप देखते हैं। इम्पल्स सिग्नल को हमने डेल ऑफ टी से डिनोट किया, स्टेप सिग्नल को हमने लिखा यू ऑफ टी से, रैंप सिग्नल को हमने लिखा आर ऑफ टी से और पैराबोलिक सिग्नल को हमने लिखा पी ऑफ टी से। अब इनका रिलेशनशिप इस तरीके से हम बना सकते हैं कि एक सिग्नल से हम दूसरा सिग्नल बना सकते हैं। कैसे? अगर इम्पल्स सिग्नल को हम इंटीग्रेट करें तो हमें स्टेप सिग्नल मिलेगा। स्टेप सिग्नल की इंटीग्रेशन से हमारे पास रैंप सिग्नल आएगा। रैंप सिग्नल को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पैराबोलिक सिग्नल मिलेगा। सेम फैशन में हम अगर रिवर्स में जाएँ, रिवर्स में जाने से अगर हम पैराबोलिक को डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास रैंप सिग्नल आएगा। रैंप की डिफ्रेंशिएशन से स्टेप सिग्नल आएगा। स्टेप सिग्नल को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास इम्पल्स सिग्नल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर इम्पल्स सिग्नल्स हो उससे स्टेप बना सकते हैं, रैंप बना सकते हैं, पैराबोलिक, और इसी तरह सेम फैशन से हम रिवर्स भी जा सकते हैं। लेकिन क्या करना होगा, फिर हमें डिफ्रेंशिएशन लेनी पड़ेगी उस केस के लिए। अब अगर हम इन सिग्नल्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें, इम्पल्स सिग्नल को देखिए, अगर इम्पल्स सिग्नल का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो डेल ऑफ टी जो है ये हमारे पास बन जाएगा डेल ऑफ एस और ये इक्वल होगा हमारे पास ए के। अब अगर ये हमारे पास यूनिट इम्पल्स हो तो ये हमारे पास ए इक्वल टू वन हो जाएगा। स्टेप सिग्नल यू ऑफ टी का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी, तो हमारे पास यू ऑफ एस बन जाएगा जो कि इक्वल होगा ए डिवाइड बाई एस के। अब अगर ये यूनिट स्टेप हो तो ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई एस। सेम रैंप सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ एस जो कि इक्वल होगा ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर के। अगर ए हमारे पास वन हो, यूनिट रैंप हो, तो ये इक्वल हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर के। पैराबोलिक सिग्नल पी एफ टी से हम इसको लिखते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पी एफ टी इज इक्वल टू पी एफ एस इज इक्वल टू टू ए डिवाइड बाई एस क्यूब। यूनिट पैराबोलिक के लिए ए इक्वल टू वन करेंगे तो टू डिवाइड बाई एस क्यूब आ जाएगा। टाइम रिस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम देखें। टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ डायनेमिक सिस्टम, रिस्पॉन्स टू एन इनपुट एक्सप्रेसेस अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या करेंगे, टाइम रिस्पॉन्स हमारे पास जो है फंक्शन ऑफ टाइम में आएगा। अब यहाँ पे अगर हम सिग्नल यूनिट स्टेप सिग्नल दें या यूनिट इम्पल्स सिग्नल दें, टाइम डोमेन में देंगे तो हमारे पास आउटपुट भी टाइम डोमेन में आएगी। ठीक है, अब टाइम डोमेन रिस्पॉन्स जो है इसके बेसिकली हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो रिस्पॉन्स होते हैं। दो रिस्पॉन्स पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहेंगे, एक को हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहेंगे। डिफरेंस क्या है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स पे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। व्हेन द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज चेंज फ्रॉम रेस्ट और इक्विलिब्रियम इट टेक्स सम टाइम टू सेटल डाउन। रिस्पॉन्स इनपुट मिलती है, एकदम से हमें स्टेडी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बल्कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है जो कि वक्त के साथ चेंज हो रहा होता है। तो उस रिस्पॉन्स को जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसको हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम रेस्ट और इक्विलिब्रियम टू स्टेडी स्टेट। ठीक है, जब हमारे पास रेस्ट में हो बॉडी सिस्टम या सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, वहाँ से जब उसको इनपुट मिलती है तो जब वो स्टेडी स्टेट की तरफ जाता है तो जो चेंज उसमें आती है उसको हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमारे पास ये एरिया आएगा जिसमें वो रिस्पॉन्स में चेंज आएगी, और दूसरा रिस्पॉन्स जो है वो हमारे पास स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा। द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम आफ्टर द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। जैसे ही ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ख़त्म होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो उसका रिस्पॉन्स ऐसा आ जाएगा जो कि टाइम के साथ फिर चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा और इन्फिनिटी तक वो आगे जो है कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ऐसे रिस्पॉन्स को हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहेंगे। अब अगर हम देखें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को, तो वो हमारे पास सिर्फ सिस्टम पोल्स पे ही डिपेंड करेगा। अगर वो सिस्टम पोल्स पे ही डिपेंड करेगा तो इस रिस्पॉन्स को एनालाइज करने के लिए हमें जस्ट स्टेप इनपुट ही काफ़ी होगा। ये अगर हमें पता हो तो हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो है वो सिस्टम डायनेमिक्स पे डिपेंडेंट होगा और इनपुट क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होगा। तो ऐसे रिस्पॉन्स को एनालाइज करने के लिए हमें डिफरेंट टेस्ट सिग्नल्स चाहिए होंगे, और वो हम फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके हम अपने रिस्पॉन्स को एनालाइज करते हैं इस केस में। अब अगर हम अपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को देखें तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमारे पास सिंपलेस्ट सिस्टम होते हैं जिसमें हमारे पास एक ही पोल होता है। द सिस्टम विद वन पोल इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स। तो इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर में s है इसकी पावर 1 होती है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पोल आ जाएगा। सिंपलेस्ट सिस्टम है, इस पे हम अपने डिफरेंट टेस्ट सिग्नल अप्लाई करके इसको एनालाइज करेंगे अभी। अब इस सिस्टम को हम देखें, इसका ट्रांसफर फंक्शन देखें, CS/RS वो हमारे पास आएगा K/TS + 1K। अब यहाँ पे अगर हम K को देखें तो K हमारे पास है DCK, और T जो यहाँ पे है ये T, इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। इस T को कुछ बुक्स में tau से भी डिनोट किया जाता है। तो ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें, द टाइम कांस्टेंट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रिस्पॉन्ड टू अ यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कितनी जल्दी किसी यूनिट स्टेप इनपुट को जो रिस्पॉन्ड करता है तो उसको हम टाइम कांस्टेंट कहेंगे। इसी तरीके से अगर डीसी गेन को हम डिफाइन करें, डीसी गेन ऑफ अ सिस्टम इज़ द रेशियो बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब जो भी स्टेडी स्टेट वैल्यू होगी, जो भी किसी सिस्टम की होगी आउटपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू, उसको डिवाइड करेंगे हम इनपुट सिग्नल पे, तो हमारे पास डीसी गेन आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, क्लियर हो जाएगा कि डीसी गेन क्या है और टाइम कांस्टेंट क्या है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में। यहाँ पे जब हम देखेंगे इस एग्जांपल से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जो कि है हमारे पास 10/3S + 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि K की वैल्यू 10 आ रही है, तो 10 इज आवर DC K, और S के साथ यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट जो है वो हमारे पास 3 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और सिस्टम हम देख लेते हैं, उसका ट्रांसफर फंक्शन है GS = 3/S + 5। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये स्टैंड फॉर्म में नहीं है, S + 5 है, तो टाइम कांस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाई 1/5 एस प्लस 1। तो ये वाली जो फॉर्म है ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड बन गई है, क्योंकि यहाँ पे अब 1 भी आ गया हमारे पास और एस के साथ टाइम कांस्टेंट भी आ गया। तो यहाँ से अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डीसी गेन जो है सिस्टम का वो 3/5 है और टाइम कांस्टेंट जो है वो 1/5 है। अब देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है उसको हम अपने स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल देंगे और उसके रिस्पांस को देखेंगे कि क्या रिस्पांस आ रहा है। जैसे यहाँ पे अब हमारे पास सिस्टम है k डिवाइड बाई टी प्लस 1, आर उसकी इनपुट है, सी उसकी आउटपुट है। अब हम इसको स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल एक देते हैं जो कि पल्स सिग्नल है। पल्स सिग्नल देने के बाद हम देखेंगे कि इसका रिस्पांस क्या आ रहा है हमारे पास। तो इसको हम डेल्टा टी जो कि हमारे पास इम्पल्स सिग्नल है, एम्पलीट्यूड 1 है, तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे इनपुट आ गई। तो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। अब आर एस जो है इनपुट है, इस केस में हमारे पास यूनिट इम्पल्स है डेल्टा एस जो कि इक्वल टू 1 आ जाएगा उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो सी एस इस केस में हमारे पास आ जाएगा k डिवाइडेड बाई टी एस प्लस 1 के। तो ये इसका हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अब अगर इस आउटपुट को हम देखें तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। हमने क्या करना है, इसको टाइम डोमेन में लेके जाना है। टाइम डोमेन में लेके जाने के लिए हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। हम देखते हैं इसकी थोड़ी रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं k डिवाइड बाई टी इक्वल टू एस प्लस 1/t। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस एक्सटेंडेड फॉर्म में आ गई है। अब हम इसका अगर इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लें इस इक्वेशन का, तो हम इसको टाइम डोमेन में शिफ्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पास फंक्शन अगर इस तरीके का हो c डिवाइड बाई एस प्लस ए, अगर इसका हम इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लें तो वो हमारे पास आएगा c इंटू ई जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है माइनस ए टी। ए हमारे पास यहाँ पे ये आ गया और t, और इस तरीके से ये हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं टाइम डोमेन में। अब यही जो है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर हम इसी तरीके से अपने इस फंक्शन पे लगाएं तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा सी ऑफ टी इज इक्वल टू के ऑफ टी इंटू ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाइम कांस्टेंट टी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया और टाइम डोमेन में चले गए। और जब हमारे पास इम्पल्स सिग्नल आ रहा है तो हमारे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम डोमेन में ये होगा। अगर अब हम देखें k की वैल्यू हमारे पास 3 हो और टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो तब हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से एक डिकेइंग ग्राफ बन जाएगा। तो इसका रिस्पॉन्स हमारे पास इस तरीके से आएगा इम्पल्स यूनिट इम्पल्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप रिस्पांस को। स्टेप रिस्पांस में इनपुट सिग्नल हम लेंगे स्टेप सिग्नल और आउटपुट में हमें सी एस मिलेगा, ठीक है। आर ऑफ एस जो है वो यू ऑफ एस होगा और उसका हमें पता है कि वो इक्वल होगा 1/s के अगर यूनिट स्टेप हुआ तो। अब आउटपुट जो है वो हमें मिलेगी इस केस में k डिवाइडेड बाई एस इंटू टाइम कांस्टेंट इंटू एस प्लस 1, इस तरीके से आ जाएगी। अब इसको क्या करना है, हमने टाइम डोमेन में लेके जाना है। टाइम डोमेन में लेके जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन आर्डर टू फाइंड आउट द इनवर्स लैपलास ऑफ द अबव इक्वेशन वी नीड टू ब्रेक इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके इक्वेशन हमारी इस तरीके से बन जाएगी सी एस इज इक्वल टू के ओवर एस माइनस के टी डिवाइडेड बाई टी एस प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास दो रिस्पॉन्स आ जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन जब हम इसको पार्शियली फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे दो टाइप के रिस्पांस आ जाएंगे। एक जब हम देखेंगे फोर्स रिस्पांस आ जाएगा। अब ये फोर्स रिस्पांस क्या है? ये इनपुट के लिए जो रिस्पांस आ रहा है, ठीक है, जो रिस्पांस हमारे पास इनपुट के लिए आ रहा है, या जब हमारे पास ये पोल जो है वो ज़ीरो पे हो, या इनपुट के लिए जो रिस्पांस आ रहा है उसको हम फोर्स रिस्पांस कहेंगे। दूसरा जो है वो हमारे पास नेचुरल रिस्पांस आएगा। नेचुरल रिस्पांस क्या है? ये हमारे पास सिस्टम पोल से जो रिस्पांस बनता है। फोर्स रिस्पांस हमारे पास इनपुट के पोल से जो रिस्पांस बन रहा है वो है, और नेचुरल रिस्पांस क्या है? ये रिस्पांस हमारे पास सिस्टम के पोल से जो रिस्पांस बन रहा है, ये इनपुट के पोल से नहीं है, यहाँ पे इनपुट बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिस्टम के पोल से जो रिस्पांस बन रहा है वो नेचुरल रिस्पांस है। तो दो रिस्पांस आ जाएंगे, एक फोर्स रिस्पांस, दूसरा नेचुरल रिस्पांस आ जाएगा। और हमारा टोटल आउटपुट जो या टोटल रिस्पांस जो है वो इन दोनों के कम्बिनेशन से हमारे पास आता है। अब हम देखते हैं के को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1/s जो कि हमारे पास इनपुट है, और दूसरा टाइम कांस्टेंट डिवाइड बाय टाइम कांस्टेंट इंटू s+1। दो रिस्पांस आ गए हमारे पास। अब अगर हम इनका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें, इनवर्स लैप्लास हमें पता है कि 1/s जो है वो u(t) के इक्वल है, और माइनस e-t जो कि टाइम है डिवाइडेड बाय टाइम कांस्टेंट। तो ये चीज़ हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से लेंगे। तो यूनिट स्टेप रिस्पांस जो है वो हमारे पास जो है, अगर स्टेप सिग्नल हम देंगे यूनिट स्टेप, तो उसके लिए जो सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस होगा वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब अगर हम देखें u(t) हमें पता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन था, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 हो गया तो इक्वेशन हमारे पास टाइम डोमेन में CFT इक्वल टू k(1 माइनस e माइनस टाइम डिवाइडेड बाई टाइम कांस्टेंट t) इस तरीके से बन जाएगी। अब अगर टाइम को हम कहें कि वो इक्वल हो टाइम कांस्टेंट के, ठीक है, और ये टाइम यहाँ पे पुट करें तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और e की पावर हमारे पास -1 रह जाएगी। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे e की पावर -1, तो हमारे पास ये 0.632 इंटू k आ जाएगा। k हमारे पास DCKN है, ठीक है। अगर टाइम हमारे पास टाइम कांस्टेंट के इक्वल हो जाए तो हमारे पास जो है आउटपुट जो है वो टोटल गेन के 63% आ जाएगा तकरीबन। देखें यहाँ पे, अब अगर टाइम को हम टाइम कांस्टेंट ले लें, ठीक है, जो कि 1.5 है, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या आएगा? यहाँ पे टोटल जो है, यहाँ पे अगर हमारे पास 10 है टोटल वैल्यू के गेन की 10 है, तो वो हमारे पास उसकी 63% आ जाएगी। और DC गेन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि इट इज़ द रेशियो बिटवीन स्टेडी स्टेट आउटपुट एंड द इनपुट। इस केस में हमारे पास जो है K 10 है और इनपुट जो है वो 1 है, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगी। और हमारे पास आउटपुट जो है, अगर हम टाइम कांस्टेंट 1.5 पुट करें तो यहाँ पे 63% आ जाएगी। और ये हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि कैसे 63% ये आ रही है। अब अगर हम k को 10 ही रखते हैं और टाइम कांस्टेंट को हम 1, 3, 5 और 7 इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो ग्राफ हमारे पास इस तरीके से बनेगा। अगर टाइम को 1 पुट करें यहाँ पे तो ये ग्राफ हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो टाइम होगा, ये देखें, ये कम हो जाएगा। अगर टाइम को हम 3 सेकेंड पुट करें, ठीक है, टाइम कांस्टेंट को, तो ग्राफ की शेप इस तरीके से बन जाएगी। 5 सेकेंड पे इस तरह, और t अगर 7 सेकेंड हो तो ग्राफ की शेप हमारे पास इस तरीके से बनेगी। अब हम देखते हैं के स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कि सिस्टम टेक 5 टाइम कांस्टेंट टू रीच इट्स फाइनल वैल्यू। अब अगर फाइनल वैल्यू हमारे पास जो भी हो, ठीक है, उस पे पहुंचने के लिए हमें 5 टाइम कांस्टेंट चाहिए होते हैं। अगर इस ग्राफ में आप देखें, 0 से अगर हम स्टार्ट करें, टाइम कांस्टेंट 1 है, उस पर हमारे पास 1 पे टाइम कांस्टेंट पे 63% यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। 2t पे हमारे पास वैल्यू 86% पे आ जाएगी। फिर हम 3t पे जाएँ तो 95% पे, 4t पे 98% पे, 5t पे हम 99% पे पहुँच जाएंगे और हम अपने फाइनल वैल्यू को टच करेंगे। फाइनल वैल्यू तक पहुँचने के लिए जो स्टेडी स्टेट वैल्यू होती है, हमें 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स चाहिए होते हैं यहाँ पे पहुँचने के लिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें, k की वैल्यू को अगर हम चेंज करते जाएं, टाइम कांस्टेंट को हम 1 ही रखें, k की वैल्यू को हम चेंज करें तो देखें हमारे पास ये टाइम जो है ये सेम ही रहेगा, लेकिन k का जो है वो गेन जो है वो अप डाउन इस ग्राफ में आपको शो होती हुई नज़र आ रही है। अब अगर हम देखें रिलेशन अपने इम्पल्स और स्टेप सिग्नल्स में, इनके रिस्पॉन्सेज में, कि जब हम स्टेप सिग्नल देते हैं, इम्पल्स सिग्नल देते हैं, जो रिस्पॉन्स आता है तो उसमें रिलेशन क्या है। अब स्टेप रिस्पॉन्स हमने देखा, हमने स्टेप रिस्पॉन्स टाइम डोमेन में हमारे पास ये चीज़ आई, ठीक है, ये स्टेप रिस्पॉन्स। अगर हम स्टेप रिस्पॉन्स को ही डिफ्रेंशिएट कर लें तो हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स आ जाएगा। इसी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफ्रेंशिएट कर लें तो आप देखें आफ्टर डिफ्रेंशिएशन हमारे पास ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं स्टेप और इम्पल्स रिस्पॉन्स के दरमियान। अब इस एग्जांपल में हम देखें, एग्जांपल 1 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज गिवन बिलो। ये रिस्पॉन्स जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। फाइंड आउट हमने क्या करना है, टाइम कांस्टेंट को, डीसी गेन को, ट्रांसफर फंक्शन को और स्टेप रिस्पॉन्स को। अब हमें पता है कि द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज एक्चुअली द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। देयरफॉर टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसी का हम अगर अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो वही हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन बन जाएगा। अब आप देखें, इसका हम इम्पल्स ट्रांसफॉर्म लें तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी। डेल एस जो है ये हमारे पास इसमें इम्पल्स सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट लिखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें इस ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि हमने बनाया वो हमारे पास इस तरीके से बना। यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइम कांस्टेंट जो है वो हमारे पास 2 है और डीसी गेन जो है वो हमारे पास 6 है यहाँ पे। अब स्टेप रिस्पॉन्स की तरफ जाएंगे, स्टेप रिस्पॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम इंटीग्रेट करें तो इसकी इंटीग्रेशन से हम जो है स्टेप रिस्पॉन्स की तरफ चले जाएंगे। अब ये अगर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हम स्टेप रिस्पॉन्स की तरफ चले जाएंगे और स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास c आ रहा है, इस c को हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हमें पता हो। इनिशियल कंडीशन अगर इस केस में हम देखें हमारे पास 0 है, अगर हमें पता है 0 है तो हम इस c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमारे पास 6 आएगी और हमारे पास स्टेप रिस्पॉन्स इस तरीके से ये बन जाएगा। हम अपना स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इफ़ इनिशियल कंडीशन आर नॉट नोन देन पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन इज़ अ बेटर चॉइस। अब अगर इनिशियल कंडीशन हमें पता नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। इसी को हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। वहाँ से भी हम देखेंगे कि हमें ये इक्वेशन बिल्कुल उसी तरीके से मिलेगी जैसे हमने प्रीवियसली इंटीग्रेशन से फाइंड आउट की और इनिशियल कंडीशन ज़ीरो पुट करके की, वही इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। और इस तरीके से हम अपने स्टेप रिस्पॉन्स को भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि हम रैंप रिस्पॉन्स जो है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का कैसे फाइंड आउट करते हैं। रैंप रिस्पॉन्स के लिए इनपुट पे हम रैंप सिग्नल देंगे, ठीक है। RFS जो है वो हमारे पास 1/s² हो जाएगा और हम आउटपुट सिग्नल इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे जो कि k/s² × TS + 1 हो जाएगा। इसी को अब हम टाइम डोमेन में लेके जाने के लिए इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे, लेकिन इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म इस तरीके से लेना इसका मुश्किल होगा। क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे और पार्शियल फ्रैक्शन के बाद उसको हम इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हम टाइम डोमेन में आ जाएंगे। टाइम डोमेन में आने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से बन जाएगी k × time constant + time constant e⁻ time t / time constant t। तो इस तरीके से हम इसको टाइम डोमेन में ले आएंगे और ये रिस्पॉन्स जो है वो रैंप रिस्पॉन्स हमारे पास टाइम डोमेन में आ जाएगा। अब अगर हम k को 1 लें और टाइम को 1 लें तो यूनिट रैंप यहाँ पे ये ब्लू लाइन जो है ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है और ये ग्रीन लाइन इसके लिए हमारे पास आउटपुट रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ पे हम देखें कि हमें कोई डिफरेंस मिल रहा है। इस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। एरर क्या है, एरर हमारे पास इनपुट सिग्नल माइनस आउटपुट सिग्नल जो आ रहा होगा वो हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। सेम फैशन में अब अगर हम इसको टाइम कांस्टेंट को 3 ले लें, ठीक है, और k हमारे पास 1 ही हो तो ये हमारे पास इनपुट सिग्नल आएगा, ये हमारे पास आउटपुट सिग्नल आएगा। ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम एरर कहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास पैराबोलिक रिस्पॉन्स है। पैराबोलिक रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल को पैराबोलिक सिग्नल लेंगे जो कि हमारे पास आएगा 1/s³। यहाँ पे हम देखेंगे ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। अब इसको हमने टाइम डोमेन में शिफ्ट करना है तो उसके लिए वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो हमने रैंप सिग्नल के लिए किया था। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, ये आप लोगों ने खुद करना है। तो यहाँ पे आके ये लेक्चर हमारा एंड हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको एंड कर लेते हैं।